हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल OCCI टेक सपोर्ट में। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो आप लोग लेके आया हूँ वो है एक्सेल से रिलेटेड। क्या होता है कि एक्सेल में एक फंक्शन है जिसका नाम है PMT। जी हाँ दोस्तों, PMT फंक्शन में लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मंथली EMI कैसे निकाले और ईयरली EMI कैसे निकाले। तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना रखा हुआ है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये PMT फॉर्मूला यूज़ मैंने लिखा हुआ है। मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ, जैसे मोबाइल है, मोबाइल सैमसंग है, टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक कॉलम छोटा हुआ है लोन अमाउंट का, तो मैं यहाँ पे लोन अमाउंट लिख देता हूँ, क्योंकि बिना लोन अमाउंट का आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। लोन अमाउंट आपका जो होगा, इसमें भी वही चीज़ छूटा हुआ है, लोन अमाउंट, तो मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट फिलअप कर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि सैमसंग का फ़ोन है। पहले मैं आपको मंथली EMI निकालना बताऊंगा कि 8 महीने का EMI कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 साल के EMI मुझे निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये समझना, एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। ये मैक्सिमम एडवांस एक्सेल में ये पूछा जाता है और इंटरव्यू सेशन में ये PMT फॉर्मूला मैक्सिमम पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, को ये ध्यान दीजिए कि आप कोई भी चीज़ यदि प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम आप लिख दीजिए, उसका टोटल अमाउंट लिख दीजिए और डाउन पेमेंट जो है उसका डाउन पेमेंट लिख दीजिए। रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो भी है, 2%, 3%, 4%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दीजिए। और टेन्योर मतलब 8 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है। बेसिकली मोबाइल जब भी फाइनेंस कराते हैं 6 महीने का, 8 महीने, 1 साल का होता है। तो मैंने यहाँ पे 8 महीना लिखा हुआ है, 8 मंथ। और लोन अमाउंट क्या होगा, तो लोन अमाउंट निकालने के लिए आपको पहले इज इक्वल टू करना है, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट में से है ना डाउन पेमेंट को घटा लेना है, ठीक है। यानी आपने डाउन पेमेंट 5,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, एंटर कर लेना है, ये आपका लोन अमाउंट आ जाएगा 20,500। यानी कि आपने 25,500 का फ़ोन है आपके और आपने 5,000 डाउन पेमेंट दिया हुआ है, तो 20,500 आपका लोन अमाउंट है। तो इसी का मुझे निकालना है मंथली EMI। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथली EMI के लिए एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसका नाम है PMT। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा करती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिख पाएँ। तो माइनस, अब मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ इसका मैं आगे आपको बताऊँगा, माइनस क्यों लगा रहा हूँ इसको, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ही चीज़ें क्लियर होंगी। तो माइनस इज इक्वल टू PMT, ठीक है। मैंने PMT लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए, बोला रेट है ना, रेट मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है इस तरीके का, उसके बाद आपको कॉमा लगा लेना है। आपको सिंटेक्स पर ध्यान, सिंटेक्स को आपको ध्यान से एकदम देखना है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो नंबर एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट, आप कितना नंबर ऑफ पेमेंट करना चाह रहे हैं। टेन्योर है, मैंने बताया था ना 8 महीने का है, तो 8 महीने पे आपको, यानी 8 मंथ है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, कॉमा लगा लेना है। फिर PV यानी पॉजिटिव वैल्यू या फिर लोन अमाउंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। PV मतलब पॉजिटिव वैल्यू या लोन अमाउंट। तो यहाँ पे लोन अमाउंट 20,500 है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, 20,500 लोन अमाउंट है। इस पर मैंने क्लिक किया और ब्रैकेट को इस तरीके का बंद किया और इंटर कर दिया, ठीक है। ये आ गया महीने का 2920 रुपये, 8 महीने तक आप भरेंगे तब जाके आपका 20,500 रुपये आपका आएगा, ठीक है, यानी 3% इंटरेस्ट के साथ। अब मैंने माइनस क्यों लगाया वो देखते हैं। देखिए, मैं अगर माइनस नहीं लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखिए, मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाता हूँ, इक्वल टू लगाता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ, तो वैल्यू आपका जो डॉलर में आएगा, फिर आप यहाँ से जाके आप तो कन्वर्ट तो कर लेंगे नंबर में, ठीक है, लेकिन वैल्यू आपका माइनस में आएगा। तो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है, इस वजह से वैल्यू आपका प्लस में आएगा, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया। माइनस लगा के इंटर करेंगे तो वैल्यू आपका इस तरीके का आएगा, आप यहाँ से जाके कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो वैल्यू देखिए माइनस में नहीं आएगा। तो 2920 रुपये 35 पैसे आपके आएंगे मंथली EMI, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ईयरली EMI निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए ईयरली अगर EMI निकालना है तो भी वही तरीका है, आपको माइनस इक्वल टू लिखना है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस इक्वल टू लिखना है PMT, ब्रैकेट को ओपन करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसको सिलेक्शन करना है, इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो नंबर है दोस्तों, एक बार ध्यान में रखिएगा, जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिएगा उसमें परसेंटेज का साइन जरूर लगाइएगा। अगर परसेंटेज का साइन नहीं लगाते हैं तो आपका वैल्यू गलत आएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने क्लिक कर लेना है,
और कॉमा नंबर ऑफ पेमेंट, एन पर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है क्योंकि मुझे 2 साल का निकालना है, तो आपको नॉर्मली ठीक है डिवाइडेड बाई 12 कर देना है, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, तो मुझे इस 9 को 12 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, यानी परसेंटेज को। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक किया, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, क्योंकि 1 साल में 12 महीना, तो इसलिए मैंने 12, क्योंकि मुझे 1 साल में 12 महीना है तो मुझे हर महीने पेमेंट करना है ना, तो उस चीज़ों को मैंने ध्यान में रखना है, कॉमा लगाना है। फिर नंबर ऑफ पेमेंट, टेन्योर 2 साल है, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 24 लिखना है खुद से, कॉमा पीवी यानी पॉजिटिव वैल्यू क्या आपका होगा। ओ शिट, मैंने एक चीज़ भूल गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने लोन अमाउंट तो निकाला ही नहीं, तो लोन अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, ये आपका हो गया लोन अमाउंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अब इसको निकालते हैं, तो माइनस इक्वल टू पीएमटी आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% डिवाइडेड बाई 12, कॉमा, ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट मतलब 2 साल यानी 24 महीना, तो 24 यहाँ डालेंगे, कॉमा, यहाँ पे पीवी यानी पॉजिटिव वैल्यू आपका रहेगा, लोन अमाउंट यही 125,000, ठीक है, क्लिक करेंगे, देन आपको ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर। देख रहे हैं 5,710 रुपये प्रति महीना आप भरेंगे तब आपके 2 साल में ये कंप्लीट होगा, 125,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पीएमटी फार्मूला बहुत ही बेसिक फार्मूला है, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।